नमस्कार वेलकम टू तो स्किल टूल मैं संदीप ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज द रोल ऑफ अ सेल्स ऑफिसर आप में से बहुत सारे लोग जो एफ इंडस्ट्री में आना चाहते हैं सेल्स ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एफ कंपनी में सेल्स ऑफिसर रोल में वो भी जान ले कि कंपनी के एक्सपेक्टेशन क्या होता है उनसे सेल्स ऑफिसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एफ कंपनी बिकॉज वो कंपनी को मार्केट से कनेक्ट करते हैं एंड दे आर द पीपल हु विजिट द मार्केट और उनको सबसे ज्यादा पता है एग्जीक्यूशन के बारे में कंपनी का प्लान्स कंपनी का स्ट्रेटजीज को डिलीवर करना मार्केट में उन्हीं का काम होता है सो आई विल स्टार्ट विद द वीडियो बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा सो भूलेगा टो वेटेटेड नोटिफिकेशन ऑन टाइम नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफिसर प्रोफाइल्स इन द मार्केट एक वो होते हैं जिनको कोई रिपोर्ट नहीं करते हैं नो वन रिपोर्टिंग टू द सेल्स ऑफिसर द सेल्स ऑफिसर गोज टू द मार्केट वो खुद ही दुकानदारों से ऑर्डर लेते हैं विच इज द सेकेंडरी सेल और वो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर को देते और डिस्ट्रीब्यूटर से भी ऑर्डर लेते विच इज द प्राइमरी सेल और वो ऑर्डर वो कंपनी को देते हैं

सेल्स ऑफिसर सो इन सेंस इन अंस दिस सेल्स ऑफिसर इज द बॉस ऑफ द टीम तो अगर वो दो तीन चार का डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल कर रहे हैं चार डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल कर रहे हैं और चारों के पास तीन तीन या चार चार है तो वो बारह सोलह बीस का टीम ऑफ डी एस आर डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन हैंडल करते होंगे सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइल जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोफाइल इज मोर कॉमन इन मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज इन एफएमसीजी कंपनीज बट जो सेकेंड टाइप ऑफ प्रोफाइल है दैट इज मोर प्रेवलेंट इन द लार्ज एफ कंपनीज तो सबसे पहले समझते हैं द रोल ऑफ सेल्स ऑफिसर जिनके पास कोई रिपोर्टिंग नहीं होता है खुद सब कुछ करता है सेकेंडरी भी प्राइमरी भी तो उनके सबसे पहला जो रोल है दैट इज सेल्स उनका रीजन फॉर एग्जिस्टेंस एज द नेम सजेस्ट सेल्स ऑफिसर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोथ काइंड ऑफ सेल्स सेकेंडरी सेल्स भी प्राइमरी सेल्स भी जस्ट डिस्कस किया है सेकेंडरी सेल्स इज सेल्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर टू द रिटेलर एंड प्राइमरी सेल्स फ्रॉम द कंपनी टू अ डिस्ट्रीब्यूटर उनको दोनों टारगेट मिलते हैं दोनों उनको अचीव करना होता है देन कंपनी का कोई डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट भी होगा कि कंपनी चाहता है कि मैं इस टेरिटेट के अंदर 80 परसेंट दुकानों में अवेलेबल हूं या 90 परसेंट दुकानों में अवेलेबल रहूं सो द रोल ऑफ अ सेल्स ऑफिसर टू इन्श्योर कि वो टारगेट भी वो अचीव करे कि इतने दुकानों में अवेलेबल करा दें देन कंपनी टाइम टू टाइम कम्स कम्जोर टू डिफेंट ऑफ इनिशिएटिव जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च है कोई कैंपेन uh, लॉन्च हो रहा है कोई विजिबिलिटी ड्राइव लॉन्च हो रहा है कुछ भी हो रहा है एंड द रोल ऑफ अ सेल्स ऑफिसर इज़ टू इन्श्योर कि वो मार्केट में सही ढंग से एग्जीक्यूट हो जाए वो जो इनिशिएटिव है सही ढंग से वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए दिस इज अबाउट सेल्स देन कम्स सर्विस सर्विस में क्या है सबसे पहला सर्विस टू रिटेलर वो जाता है दुकानों में दुकानदार के पास जाके ऑर्डर ले रहा है यह एक बहुत बड़ा सर्विस है दुकानदारों के लिए कि भाई उसको जाके ऑर्डर नहीं लिखाना पड़ रहा है या कहीं नहीं जाना पड़ रहा है कंपनी इज डायरेक्टली सेंडिंग समन टू टेक द ऑर्डर तो रेगुलरली मतलब जितना उसका पीजे पी बना हुआ देखिए पीजेपी के ऊपर मैंने और एक वीडियो बनाया है Uh, उस हिसाब से आप वो वीडियो देख लेना बिकॉज ये आर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीजेपी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पीजेपी ही शुड विजिट द रिटेलर एंड देन एन्श्योर कि दुकानों में कुछ अगर एक्सपायरी डैमेज पड़ा है वो भी चेक कर लेगा दुकानदार का कोई इशू है उसको सॉल्व करेगा उसको कुछ नहीं मिला है कुछ क्लेम्स वगैरह है वट एवर सो ही हैज टू एन्श्योर दैट द रिटेलर गेट्स प्रॉपर सर्विस

स टू एंश्योर की डिस्ट्रीब्यूटर का कोई भी इश्यू हो कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करे एंड दैट इज हाउ यू गिव सर्विस टू द डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल थर्ड इज एसेट मैनेजमेंट देखिए कोई कोई होता है कंपनी जो फ्रीजर या कूलर या रैक्स लगाते हैं दुकानों में एंड द सेल्स ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग फर्स्ट टू आइडेंटिफाई कि किन किन दुकानों में सब दुकानों में नहीं लगाया जाता है किन किन दुकानों में ये एसेट जो है लगेगा एंड नंबर टू इज दैट मेंटेनेंस ऑफ दैट एसेट कि भाई जिन दुकानों में ऑलरेडी लग गया है क्योंकि ये लगाने का जो फिजिकल एक्टिविटी है ये सेल्स ऑफिसर का काम नहीं है सेल्स ऑफिसर वील ओनली आइडेंटिफाई गिव द रिक्विजेशन टू द कंपनी कंपनी कोई थर्ड पार्टी एजेंसी को लगाया होगा जो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू नो इंस्टॉलिंग दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट और दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर इन दैट पर्टिकुलर शॉप तो लग जाने के बाद सेल्स ऑफिसर्स ड्यूटी इज टू इंश्योर कि वो सही ढंग से मेनटेन हो फ्रीजर को चेक करेगा कूलर को चेक करेगा रैक को चेक करेगा कहीं टूट नहीं गया है कुछ वर्किंग कंडीशन में कुछ अगर नहीं है तो देन ही हैज़ टू रिपोर्ट एंड गेट इट रिपेयर सो दिस इज ऑल्सो द रोल ऑफ अ सेल्स ऑफिसर देन कम्स डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए डिस्ट्रीब्यूटर का मैनेजमेंट सेल्स ऑफिसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम और पार्ट इन्वॉल्व uh, करता है इसके ऊपर मैंने और एक वीडियो बनाया है यह वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देगा आप देख सकते हो द फर्स्ट थिंग इज सिलेक्शन ही हैज टू सिलेक्ट द राइट डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन के भी ऊपर ये भी आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटर का जो गोडाउन है जो व्हीकल है जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अपने बिजनेस के लिए चाहिए वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही से हमें मिले और मेंटेन रहे दैट इज़ आल्सो रोल ऑफ अ सेल्स ऑफिसर देन कम्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट जितना स्टॉक उसको रखना है उतना वो रख रहा है कि नहीं बिकॉज अगर स्टॉक कम रखेगा तो सर्विस विल सफ़र दुकानों में स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा अगर ज़्यादा रखेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर का आर ओ वाई विल सफ़र तो देर देर इज अ लॉर ऑफ कैलकुलेशन दैट इू एंश्योर कि डिस्ट्रीब्यूटर सही लेवल पर स्टॉक रखें देन सर्विस टू द मार्केट यस टू एंश्योर दैट द डिस्ट्रीब्यूटर गिव्स राइट सर्विस टू द मार्केट अगर उसने ऑर्डर लिखाया है डिस्ट्रीब्यूटर को कि भाई इतने इतने दुकानों में हमें इतना इतना स्टॉक जा चला जाना चाहिए देन द डिस्ट्रीब्यूटर हैज़ टू प्रॉम्पली डिलीवर यही सर्विस होता है डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे काम क्या है डिस्ट्रीब्यूटर अपना बंदा नहीं लगा रहा है सो ही हैज़ टू एंश्योर कि राइट right टाइम में प्रॉपर क्वान्टिटी में राइट right क्वान्टिटी में डिलीवरी हो जाए दैट इज़ द सर्विस टू द मार्केट और अगर कुछ एक्सपायरी डैमेज है जो सेल्स ऑफिसर ने बताया उठाना होगा सो दैट शुड कम बैक ये ये, फाइनली क्लेम्स मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर का क्लेम्स बनता है हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ स्कीम uh, uh, वगैरह आपने रन किया हो उसका क्लेम बनेगा या फिर कोई डैमेज एक्सपायरी वगैरह हो उसका क्लेम बनेगा तो ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ क्लेम्स मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इज अनदर वेरी role रोल ऑफ अ सेल्स ऑफिसर he ही हैज टू रिपोर्ट daily वर्क जो मार्केट पे जा रहे है जो काम कर रहे है हर कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट है उस हिसाब से उसको रिपोर्ट बनाना होगा उसका टारगेट अचीवमेंट उसमें लिखना होगा उसने क्या किया कहाँ किया कौन सा मार्केट किस दिन कवर किया उसका पूरा डिटेल एक रिपोर्ट में अलग अलग कंपनी का अलग अलग रिपोर्टिंग फॉर्मेट रहता है तो उसमें वो देना पड़ेगा देन द मार्केट इंटेलिजेंस पार्ट कि भाई आप मार्केट में गए हो तो भाई कंपटीशन क्या किया है तो उसका कुछ आपने नोट डाउन किया है कि भाई कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या फिर कंपटीशन ने कोई स्कीम दिया है कोई कंज्यूमर ऑफर चला दिया है एवर सो दी हैज़ टू नोट डाउन एंड ही हैज़ टू इन्फॉर्म द कंपनी सो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट अ सेल्स ऑफिसर जिनके पास कोई रिपोर्टिंग नहीं है उनको ये करना है नाउ लेटर्स अंडरस्टैंड कि जिनके पास रिपोर्टिंग है जिनके पास ऑलरेडी एक टीम है ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन या टी उनका रोल में क्या एडिशन होगा ये सब कुछ तो होगा ही होगा प्लस उनका रोल में जो एडिशन होगा दैट इज द डीएसआर या टीएसआई मैनेजमेंट तो उसमें क्या है कि ही इज आल्सो द सेल्स ऑफिसर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग द सेल्समैन कि भाई वो जाएगा वो मार्केट में ट्रैक रखेगा कि भाई हमारा सेल्समैन जरूरत है तो कहाँ से मुझे अच्छा सेल्समैन मिल सकता है उसका प्रोफाइल लेगा उसका इंटरव्यू लेगा फिर उसको रिक्रूट करेगा देन कोचिंग हैज़ टू कोच द डीएसआर कि भाई आपको मैंने ले लिया रिक्रूट किया है नाउ आई हैव टू एंश्योर कि आपको कंपनी का प्रोडक्ट समझ में है आपको कंपनी का प्रोसेस समझ में आपको मार्केट में किस तरीके से काम करना है वो समझ में आए सो ही हैज़ टू हैंडोल्ड एंड कोच द डर सर एंड फाइनली इलुएट करना टाइम टू टाइम उसका परफॉर्मेंस और उसको गाइड करना सो ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ द रोल ऑफ द ये छोटा सा सेक्शन जो है इट्स एडिशनल बट बाकी सब कुछ सेम रहता है एंड इफ यू आर अ सेल्स ऑफिसर होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आई बी हैपी मोर वीडियोस थैंक यू